हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास एट्थ की बुक इट्स अ हैपन का जो सेकंड चैप्टर था, चिल्ड्रन नेटवर्क का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड की थी, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उसमें जो हमारा मेन करेक्टर निकल कर आया था वो था वेलू, और जो कि अपने घर से भाग गया था अपने फादर की पिटाई के कारण, क्योंकि उसके फादर जो थे रोज़ शराब पीते थे, और जो भी वेलू या उसकी बहनें कमाते थे पैसे, वो सारे के सारे पैसे वो अपनी शराब पर खर्च कर देते थे। तो पिटाई से बचने के लिए वेलू ने डिसाइड किया कि वो घर से भाग जाएगा, और वो अब चेन्नई स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ एक लड़की, अपनी ही एज की एक लड़की से मिलता है, और लड़की को जब पता चलता है कि वेलू भूखा है तो वो उसे कहती है कि वो उसके लिए खाने की अरेंजमेंट कर सकती है अगर वो चाहे तो, और ये कहकर वो अपना जो सैक है, जो अपने कंधे पर उसने रखा हुआ था बोरा, उसे लेकर वो चल देती है, और वेलू भी जो है डिसाइड करता है उसके पीछे जाने के लिए। तो आगे की जो स्टोरी है वो देखिए कि ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। कहते हैं जैसे ही लड़की स्टेशन से बाहर निकली वो उससे जा मिला, यानी कि उसने लड़की का पीछा कर लिया था और लड़की को पकड़ लिया था। पकड़ने से मतलब है कि वो लड़की तक पहुंच चुका था, क्योंकि लड़की काफ़ी आगे चली गई थी और वेलू सोच ही रहा था कि वो उसके पीछे जाए या ना जाए, और लास्ट में डिसाइड करता है कि उसे उसके पीछे जाना चाहिए। तब तक वो लड़की काफ़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो लड़की स्टेशन के बाहर तक पहुँची तब तक वेलू ने जो है वेलू उस तक पहुंच चुका था। When they got to the road, वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone। कहते जब वो सड़क पर पहुंचे तो वेलू ने देखा कि जो वहां पर व्हीकल्स हैं, वाहन आ रहे थे, वो किसी के लिए भी रुक नहीं रहे थे। Never stopped anyone मतलब किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे, व्हीकल्स मतलब जो वाहन थे वो। Smoke and dust flew at him from all sides making his head spin। तो उसके ऊपर सभी ओर से धुआं और धूल जो है उड़कर आ रहे थे, जिससे उसका जो सिर है वो चकरा गया था। स्पिन जो चक्री घूमती है, तो उसका सर जो है वो चकरा गया था। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through। कि इससे पहले कि वो सड़क पार करने के लिए उन्हें जगह मिलता, उन्हें काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो नॉन स्टॉप आ जा रहे थे, और अंत में उन्होंने फाइनली उन्हें गैप मिल गया जब वो अपनी जो सड़क है वो क्रॉस कर सके। वेलू कैप्ट होस हेजिटेटिंग एंड गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। और वो जो रास्ता है उन्हें कैसे मिला कि वेलू तो फिर भी हेजिटेशन कर रहा था, संकोच कर रहा था, लेकिन लड़की फाइनली अंत में उसे सड़क के दूसरी ओर खींच कर ले गई। ड्रैग्ड मतलब खींचना। वट डू यू थिंक You are doing grazing cows। कि तुम्हारे विचार में तुम क्या करने जा रहे हो, गाय चराओगे, grazing मतलब गायों को चराना, गाय चराओगे। If you stand around in the middle of the road like that, you will be चटनी। कहता यदि तुम इसी तरह से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी तो चटनी बना दी जाएगी, जो व्हीकल है वो तुम्हारी चटनी बना देंगे। वेलू से हर्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का जो दिल है वो अभी भी तेजी से धड़क रहा था। ही लुकड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। कहता उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेजी से बढ़ते वाहनों की ओर देखा। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट। कहते इतनी भीड़ में से वो कैसे पार कर सके सड़क को। हाउ हैड दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सन। कहते वो अंडर सन ह्यूज साइन बोर्ड्स।
साइन बोर्ड क्या होता है? जो संकेतों वाले बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, उनको बोलते हैं साइड बोर्ड। तो वो बड़े बड़े जो इशारा करते हुए, संकेत करते हुए बोर्ड थे, उनके नीचे से होते वो सड़क के साथ साथ चलने लगे। वेलू लुकड अप एट द पिक्चर्स, मनियांस, कार टायर्स, पैंस, अ वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स। वेलू ने उन पिक्चर्स की ओर देखा जिनमें उसे क्या दिखाई दे रहा था, बनियान, कार के टायर, पेन, एक डिब्बा लिए हुए एक औरत उसे दिखाई थी पिक्चर्स में। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। जो उन बोर्ड, साइन बोर्ड्स के ऊपर लिखी हुई राइटिंग थी वो इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखी हुई थी। सो ही डिड नॉट नो वट इट मीन, और इसीलिए उसे नहीं पता था उनका मतलब। यानी कि इस बात से पता चलता है कि वेलू जो है उसे इंग्लिश नहीं आती थी। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। अब लड़की ने एक चौड़े से पुल पर वो मुड़ गई और आगे चल दी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। जो वेलू था वो रुका और जो रेलिंग थी, रेलिंग के ऊपर से वो देखने लगा। अंडर हिम द रोड रन इन टू द सिटी। और उस ब्रिज के ऊपर, उस पुल, चौड़े पुल के नीचे जो है, जो सड़क शहर की तरफ जा रही थी, इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और काफ़ी दूर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, इमारतों को, मीनारों को और काफ़ी सारी सड़कें देख सकता था उस पुल पर, जहाँ पर वो खड़ा था उस पुल से। सी दैट बिग बिल्डिंग विद ए वॉल राउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। कहता उस बड़ी इमारत को देखो जिसके चारों ओर दीवार है, यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो जल्दी ही वहां सलाखों को गिन रहे होंगे। वो लड़की उससे कहती है, द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। जो लड़की थी वो थोड़ा सा खिसिया जाती है, गुस्सा हो जाती, थोड़ा सा चिढ़ जाती है और एक बड़ी सी इमारत की ओर इशारा करती है, संकेत करती है। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू ने तिरछी नजरों से देखा और तमिल लैंग्वेज में वहाँ लिखा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार। वाई, क्यों? आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पकड़े मत जाओ, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। सिर्फ पकड़े मत जाना, इतना ही बहुत है। वट डज शी मीन, उसके कहने का अब क्या मतलब था? वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा लड़की ने। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद ए सैक ऑन हर शोल्डर। वट वॉज इन इट। कहता इसी दौरान, मील वाई मतलब इसी बीच या इसी दौरान, लड़की अपने कंधे पर बोरा लिए हुए पहले से ही पुल से नीचे उतर रही थी, उतर चुकी थी। और उस बोरी में क्या था? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन। उसने उसे उस बोरी में प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। बेलू ने उस लड़की को देखा था कि वो अपने बोरे में प्लास्टिक के जो कप हैं उनको डाल रही थी। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग। तुम इस बैग में जो है वो, तुम उस थैले में क्या उठा रखा है, तुमने क्या डाल रखा है? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें, बोतलें, कागज़। वेलू वंडर्ड वट शी वॉज डूइंग विद डैम, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस।
कहता है हेलू वेलू जो है वो काफ़ी हैरान था कि वो लड़की जो है उन चीज़ों का क्या करेगी, लेकिन उसने उससे और ज़्यादा सवाल पूछने में थोड़ा सा शाई फील कर रहा था, उसे जो है शर्म आ रही थी, शाई मतलब शर्माना। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फिट बर्न। कहता है अभी सुबह का ही समय था लेकिन जो धूप है वो तारकोल पर आग बरसा रही थी और वेलू के जो नंगे पाँव हैं वो जल रहे थे। बेयर मतलब बेयर फिट मतलब नंगे पाँव। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। कहता है ये किसी कच्ची सड़क पर चलने जैसा नहीं था, मड रोड होता है कच्ची सड़क। ही वॉज सॉक्ड विद स्वीट स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, सॉक्ड मतलब भीगना, पसीने से वो भीगा हुआ था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। कहता तो उसने छाया में चलने और साथ ही साथ उस लड़की के साथ रहने के लिए भी कोशिश की कि वो लड़की से दूर ना हो जाए, लड़की गायब ना हो जाए, कि जो लड़की थी वो काफ़ी तेज़ तेज़ चल रही थी। शी वॉक्ड रियली फास्ट, क्योंकि वो जो लड़की है वो वास्तव में बहुत तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन और कितनी दूर है, भोजन जो है वो कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, कहता है एक घंटा चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी इमारत के सामने रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली। वेलू जो है धीरे से पढ़ता है कि श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडप, ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सैड ग्रूम जेवी विनयगन, और दुल्हन का नाम था रानी, ब्राइड। ग्रूम मतलब दूल्हा, और जो ब्राइड थी दुल्हन थी उसका नाम था रानी। फूलों से अक्षर बने हुए थे जिनमें लिखा हुआ था दूल्हे का नाम जेबी विनयगन और दुल्हन का नाम लिखा हुआ था रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड। अब वेलू जो है वो बाहर जो गाड़ियाँ पार्क की हुई थी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनको घूर कर देखने लगा। वन ऑफ द कार्ट्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टेप्ड ऑन टू इट। कहता उनमें से एक कार पर फूलों की माला थी और उसके ऊपर गुलाब जो हैं वो चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुकड अराउंड पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। अब लड़की ने चारों ओर देखा और जल्दी से एक गुलाब तोड़ लिया और उसे अपने बालों में लगा लिया। स्टक मतलब तोड़ना। कम ऑन शी साइड, चले आओ उसने कहा लड़की ने। आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वेलू, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस विशाल से बड़े से हॉल और उसके अंदर के जो लोग थे उनकी ओर देखकर वेलू ने पूछा कि आर वी गोइंग टू ईट हेयर, कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। अब लड़की ने उसकी नाक के नीचे अपना अंगूठा लगाते हुए कहा उम्मीद रखो, होप्स उम्मीद रखो। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे हॉल के पीछे ले गई। देर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रविश, वहाँ पर कूड़े से भरा हुआ एक कूड़े कूड़ादान रखा था। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और उस ढेर पर दो बकरियां खड़ी थी और वो केले के एक पत्ते के लिए आपस में लड़ रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, कहते हैं उनकी टांगों के इर्द गिर्द मक्खियों का एक बड़ा सा ग्रुप जो है वो मंडरा रहा था, बड़ा सा जो झुंड है वो मंडरा रहा था।
देयर वॉज ए रॉटन स्मेल इन द एयर, हवा में एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी, फैली हुई थी। शी द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। अब लड़की ने एक मसला हुआ सा, स्क्वैशी मतलब मसला हुआ सा, केला उठाया और उसे वेलू की ओर कर दिया, वेलू की तरफ बढ़ा दिया उसने। हेयर्स योर फूड, ये रहा तुम्हारा भोजन। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर्स होता है जूठन, जूठा छोड़ा हुआ जो खाना होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर्स। कहते हैं क्या हम उनके जूठन खाएंगे। चे वट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, छी तुमने मुझे क्या क्या समझती हो, तुम मुझे क्या समझती हो एक कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, कहते हैं मैं केवल बिना छुआ भोजन ही खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम ए वड़ा, वेलू लुकड एट इट विद डिस्टेस्ट। ये यहाँ लो कुछ और भी है पकड़ो, उसने उसकी और एक वड़ा फेंका और वेलू ने उसकी तरफ जो है डिस्टेस्ट से, घृणा से देखा। कम ऑन हीरो ईट इट यू थिंक आई लाइक इट, के यहाँ आओ हीरो इसे खा लो, यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचते हो कि मुझे ये सब अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, और तुम ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारा भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, कहता जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे हैं, तुम्हारे अपने पैसे नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो मिले उसे ही खा लो। जब तक तुम अपने पैसे नहीं कमा लेते तब तक तुम्हें जो भी मिलता है उसे ही तुम खा लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, लड़की कहती है वेलू से। वेलू हेजिटेटेड, वेलू जो है वो हिचकिचाता है, संकोच करता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में दोबारा से ऐंठन होना शुरू हो जाती है, अकड़ने लगता है पेट। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, और उसने केले और वड़े को खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिजिएटली, और उसका जो पेट है तुरंत अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, और कहता है वो इससे भी 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन उस लड़की को केवल एक और बनाना मिला जिसे उसने खुद खा लिया, उस लड़की ने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, कहते अभी तो बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, कहते अभी तो उन्होंने केवल नाश्ता किया है। इफ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, अभी भी तुम्हें अगर भूख लग रही है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें उनके दोपहर का खाना कर लेने की प्रतीक्षा होगी कि जब तक वो अपना दोपहर का खाना ना खा लें तब तक तुम्हें वेट करनी होगी, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम चाहो तो तुम इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सेक, उसने क्या किया ढेर में से 2 बोतलें उठाई और उसे अपने उस सैक में, उस बोरे में डाल लिया। देन शी वॉकड ऑफ, और तब वो चली गई। वॉकड ऑफ मतलब चले जाना। वेलू पैनिक्ड, और वेलू जो था वो घबराया हुआ था।
पैनिक होता है घबराना, डरा हुआ होना। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वट टू डू। तो उसने रियलाइज किया या महसूस किया कि यदि लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसे, तो उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर है और क्या करे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड। तो उसके लिए उस लड़की के साथ ही रहना बेहतर था और अपने रास्तों को अच्छी तरह से जानती हुई, उसे लग रहा था कि वो जो लड़की है वो सभी रास्तों को अच्छे से जानती है, तो इसीलिए उसके साथ रहना ही उसके लिए अच्छा होगा। ही रन आफ्टर हर अगेन, फिर से वो उसके पीछे भागा। आई ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। आई व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। अरे उसने आवाज़ लगाई, उसे तो लड़की का नाम भी नहीं पता था। अरे तुम्हारा नाम क्या है, उसने जल्दी से उसके पीछे जाते हुए पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी राउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। के ओ, तो अब मेरा नाम जाने बिना तुम मेरा मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो। और उसने अपना नाम बताया, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, तो फिर क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वॉन्ट, हाँ आ सकते हो अगर तुम चाहो तो। दिस बैग इज़ फुल, ये जो थैला है वो भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे अब घर जाना पड़ेगा दूसरा बैग लेने के लिए। जो थैला उसके शोल्डर पर था वो भर चुका था, तो अब दूसरा थैला, खाली थैला लाने के लिए उसे वापस अपने घर जाना था, जो कि उसने वेलू को बताया। आई होप कि ये सेकेंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।